अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। सो आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, आज की वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ नंबर्स है तो उसके हम कॉमन फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्टर्स के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपको फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर नहीं है अभी, तो पहले आप जाके वो वीडियो ज़रूर चेक करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर दूंगी। तो अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ नंबर है, यहाँ अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक पेयर ऑफ नंबर ले रही हूँ 12 एंड 18, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले, और फिर मुझे बताना है कि इन दोनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है, एक है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है फैक्टर्स में, फैक्टर्स का क्या मतलब होता है, फैक्टर कौन से नंबर्स होते हैं, वो तमाम नंबर, जैसे कि 12 है, मुझे 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो तमाम नंबर जिनसे 12 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, वो तमाम नंबर 12 के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, हमारे पास रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच जाता है, तो वो 12 का फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले 12 के फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हर नंबर के कम से कम दो फैक्टर्स लाजमी होते हैं, कौन कौन से, एक वन और एक वो नंबर खुद। ठीक है, हर नंबर जो है वो वन के टेबल में आता है, हर नंबर जो है वन से डिवाइड हो सकता है, वन टाइम 12 इज 12। ठीक है, तो इसलिए वन जो है वो 12 का सबसे पहला फैक्टर है। ठीक है, दो फैक्टर हर नंबर के लाजमी होते हैं, कौन कौन से, एक वन और दूसरा वो नंबर खुद अपना भी फैक्टर होता है, क्योंकि 12 टाइम 1 इज 12, 12 अपने टेबल से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें फाइंड आउट करने हैं और कौन कौन से ऐसे टेबल्स हैं जिनमें 12 आता है और 12 उन टेबल से, उन नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिन नंबर से 12 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, वो तमाम नंबर 12 के फैक्टर्स हैं। वन के बाद हम आगे बढ़ते हैं, 2 के टेबल में चेक करते हैं, आपको पता है 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है, यानी कि अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6, रिमाइंडर में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 टाइम्स 6 इज 12, ठीक है, और रिमाइंडर में आगे हमारे पास 0। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 से 12 जो कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, यानी कि 2 है वो 12 का फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं 3 के टेबल में, 3 टाइम 4 इज 12, 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 12। ठीक है, रिमाइंडर में हमारे पास कुछ नहीं बच रहा, इसलिए 3 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, अब उसके बाद हम बढ़ते हैं 4 के टेबल्स की तरफ, 4 टाइम 1 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 4 टाइम 3 इज 12, 4 के टेबल में भी 12 जो है वो आता है, यानी कि 4 भी जो है वो 12 का फैक्टर है। उसके बाद 5 का टेबल है हमारे पास, 5 के लिए आपको पता है कि 5 का जो जिस नंबर के भी लास्ट में 0 या 5 होता है, वही जो होता है 5 के टेबल में आता है, लेकिन यहाँ हमारे पास 12 है, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि 12 जो है वो 5 के टेबल में आए। आगे बढ़ते हैं हम 6 के टेबल में चेक करते हैं, 6 टाइम 1 इज 6, 6 टाइम 2 इज 12, यानी कि 12 जो है वो 6 के टेबल में भी आता है, मीन्स कि 6 भी जो है वो 12 का फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, इन सब टेबल्स में 12 नहीं आता, मतलब इन सब नंबर से 12 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ कि अगर हम 7 से करके देखते हैं, तो 7 टाइम 1 इज 7, 7 टाइम 2 इज 14, 14 तो हम नहीं ले सकते, इसलिए हम क्या लेंगे, 7 टाइम 1 इज 7, और हमारे पास यहाँ रिमाइंडर में आ गया 5। मैंने आपको बताया जब हमारे पास रिमाइंडर में 0 आएगा तभी हमारा डिवाइजर जो है वो हमारा फैक्टर होगा, अगर हमारे पास यहाँ रिमाइंडर में 0 हो। लेकिन हमारे पास अगर 0 नहीं, कोई 0 से बड़ा कोई भी नंबर होगा, तो इसका मतलब है कि जो हमारा डिवाइजर है ये हमारे डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ चुके हैं 12 के सारे फैक्टर्स। ठीक है, अब इसी तरह हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने हमारे पास एक पेयर ऑफ नंबर है जिसमें है 12 एंड 18, सबसे पहले हमने 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए, अब हम करेंगे 18 के फैक्टर फाइंड आउट। 18 के फैक्टर में भी आपको पता है मैंने बताया कि हर नंबर के कम से कम 1 के अलावा, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1 खुद, ठीक है, 1 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उसके कम से कम दो फैक्टर्स लाजमी होते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर
खुद, ठीक है। अब बाकी के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। 18 किससे डिवाइड हो सकता है, कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 टाइम 9 इज 18, ठीक है। उसके बाद 3 के टेबल में चेक करते हैं, 3 के टेबल में 18 आता है, 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, 3 टाइम 6 इज 18, जी बिल्कुल आता है। उसके बाद 4 के टेबल में चेक करते हैं, 4 टाइम 4 इज 16 एंड 4 टाइम 5 इज 20, नहीं 4 के टेबल से 18 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, अगर डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 5 के टेबल में चेक करते हैं, 5 के टेबल में पॉसिबल नहीं है, 6 के टेबल में चेक करते हैं, 6 टाइम 1 इज 6, 6 टाइम 2 इज 12, 6 टाइम 3 इज 18, 6 के टेबल से 18 कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, यानी कि 6 भी 18 का फैक्टर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 7 के टेबल में चेक करते हैं, 7 में पॉसिबल नहीं है, 8 में भी पॉसिबल नहीं है, 9 टाइम 1 इज 9 एंड 9 टाइम 2 इज 18, यानी कि 9 के टेबल से भी 18 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 9 भी क्या है हमारा 18 का जो है फैक्टर है। उसके बाद 10 में पॉसिबल नहीं है, 11, 12, 13, 14 किसी भी टेबल में पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली फिर 18 जो है वो अपना 18 के टेबल में ही आएगा, यानी कि खुद अपना फैक्टर है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ आ चुके हैं 18 के भी सारे फैक्टर्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इनमें से, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमें कौन कौन से नजर आ रहे हैं इसमें, सबसे पहले तो देखिए 1 हमें नजर आ रहे हैं, ये दोनों 1, ठीक है। तो ये इसके कॉमन फैक्टर में सबसे जो पहला पेयर हमें नजर आ रहा है वो है 1 का, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है यहाँ हमारे पास 6, बस इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर्स हमें इसमें नजर नहीं आ रहे। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं 1, 2, 3 एंड 6, ठीक है। तो हमारा जो पेयर ऑफ नंबर था 12 एंड 18, इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं, फैक्टर अगर हम सिर्फ फैक्टर्स की बात करें तो ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं, ये सारे 18 के फैक्टर्स हैं, और ये इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन मीन्स यानी कि जो दोनों में सेम फैक्टर्स हैं। तो और फैक्टर्स के हवाले से अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।